H2O2 is a weak oxidizing agent and weak reducing agent. पहले A में reducing agent है, तो क्या कर रहा है? H2O2 act as oxidizing and reducing agent respectively. फिर समझो, H2O2 से अगर O2 बन रहा है, यानी H2O2 oxidize हो, क्या दोनों ही केस में ऐसा हो रहा है? इसका मतलब दोनों में ही reducing agent. ये oxidizing nature का मतलब क्या है? Redox बहुत आसान होता है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से. Redox में सबसे आसान होता है. चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन करा है. ये दो रिएक्शन दिए हैं आपको, ठीक है, और फिर करा चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ए H2O2 act oxidizing and reducing agent respectively in equation A and B. देखो H2O2 is a weak oxidizing agent and weak reducing agent. दोनों होता है भाई. H2O2 act as a weak oxidizing agent and weak reducing agent. बात ध्यान सुनिएगा, क्या होता है, ध्यान से देखो. अगर H2O2 से O2 बने, H2O2 से क्या बने? O2. क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है? इसका 0 होता है. यानी क्या ऑक्सीजन यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है? ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज. अगर ऑक्सीजन यानी H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट हो गया. यानी ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. बात जरा समझिए, ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट. क्या भाई, बात क्लियर हो गई? ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन अगर H2O2 से वाटर बने, क्या यह -1 से -2 हो गया? यानी खुद रिड्यूस हो गया तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा. यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. क्या हो गया है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्लियर? बात समझ में आई? बात क्लियर, बात को समझिए. तो यहां देखिए H2O2 का -1, क्या यहां 0 हो रहा है? लो, यानी क्या -1 से 0 खुद ऑक्सीडाइज हुआ? खुद ऑक्सीडाइज हुआ. तो खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो इसका मतलब कि दूसरे को रिड्यूस किया होगा, और रिड्यूस किया होगा इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है. यानी पहले ए में रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या कर रहा है? H2O2 act as oxidizing and reducing agent respectively. तो इसमें तो ये क्या हो गया? खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. पहला तो गलत हो गया. चेक करिए, आप ध्यान सुनिए. अब बी पार्ट में कह रहा है H2O2 2OH-, तो यहां देखो, यहां इसको देखो, I2 क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस. I2 क्या हो रहा है? रिड्यूस. तो H2O2 क्या होगा? ऑक्सीडाइज. यानी I2 रिड्यूस हुआ तो ये आ गया. तो यानी H2O2 का काम क्या हुआ? बात जरा समझो, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ. तो यहां भी रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस कर रहा है. यहां पे HOCl में +1 है, यहां +1 से -1, ये रिड्यूस हो रहा है. दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट है. चेक करिए, H2O2 acts oxidizing and reducing agent respectively in equation B. H2O2 acts oxidizing agent in equation A and B. ठीक है, H2O2 acts reducing agent in equation A and B. हो गया. हेलो, चेक करिए, बात समझ में आई? देखो, फिर देखो, अगर H2O2 से O2 बन रहा है, फिर समझो, H2O2 से अगर O2 बन रहा है, यानी H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है. जब H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा. अगर किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और अगर किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. बात समझिए, तो यहां H2O2 से O2 मतलब खुद का ऑक्सीडेशन यानी दूसरे का रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ. क्या दोनों ही केस में ऐसा हो रहा है? इसका मतलब दोनों में ही रिड्यूसिंग एजेंट है. क्या भाई, बात क्लियर? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, जैसे सिंपल स्टोरी सुनिए. मान लो आपसे कहा जाए कि एक क्लास में एक बच्चा है जो बहुत शैतान है. शैतान क्यों है? क्योंकि झापड़ मारता है. तो अगर झापड़ मारता है तो बताओ, अपने मारेगा या किसी और के मारेगा तो शैतान कहलाएंगे? किसी और को मारेगा तभी तो शैतान कहलाएगा, खुद को मारेगा तो पागल कहलाएगा. सोचो, तो अगर बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भैया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या खुद को ऑक्सीडाइज करेगा या किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा? तो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, तब जाके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. और जब किसी और को रिड्यूस करेगा तब जाके वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा. क्या भाई, बात क्लियर है? चलिए भाई अगला, चलिए देखिए, फिर देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग नेचर? लो, फिर वही, फिर समझो,
ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2O, चेक करिए, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब देखो मतलब समझो इसका, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या है, देखो खुद ऑक्सीडाइज होना और ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब है कि ये किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, बात को समझो, यानी खुद रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब समझो, बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अबे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, चेक करो, क्लियर। तो बताओ आंसर क्या हो गया, जहां खुद ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस हो, यानी H2O2 से क्या बनना चाहिए, वाटर, ये लो चेक करिए। अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा इन बेसिक मीडियम Cr4-2 ऑक्सीडाइजेस H2O3-, ये प्योर रिडॉक्स का क्वेश्चन है, रिडॉक्स बहुत आसान होता है, ठीक है। तो देखो Cr4-2 का रिएक्शन H2O3-2 से कराया गया, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, रिडॉक्स में सबसे आसान होता है, रिएक्शन लिखो फिर देखो क्या हो रहा है, क्या सब लिखा है, क्या बन रहा है, टू फॉर्म SO4-2, वेरी गुड, और बन रहा है CrOH4-, ठीक है, बात क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 0.154 मोलर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 40 ml 0.25 मोलर, बहुत बढ़िया, यानी क्या लिखिएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cr4-2 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O3-2, ये पता है आपको, क्लियर, बात जरा समझिए। तो यहां से मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, देखिए V1 M1, इसी तरह इसका V2 M2 एन फैक्टर, तो यहां B1 क्या पूछा है, B1 पूछा है भाई, तो चलो B1 हो गया, मोलारिटी दी है 0.154, एन फैक्टर की बात करते हैं, यहां +6 है, यहां +3 है, ये पता है सबको, +6 से +3 चेंज आएगा 3 का, 3 हो गया, दिस इज V2 H2O, देखो 40 ml इंटू 0.25 इंटू एन फैक्टर, यहां +2 है और यहां आपका +6 है, तो +2 से जब +6 गया तो चेंज आया 4 का, लेकिन 2 है तो चेंज आएगा 8 का, क्या यहां से सॉल्व कर लोगे, चेक करिए, जैसे ही सॉल्व करोगे वॉल्यूम का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ गया, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सीधा कुछ नहीं करना, ये इससे रिएक्ट कर रहा है, रिडॉक्स की खास बात, जो जिससे रिएक्ट करे मिलीक्विवेलेंट बराबर कर दो, एक लाइन का क्वेश्चन होता है बेटा, ठीक है, आप इसके मिलीक्विवेलेंट बराबर इसके मिलीक्विवेलेंट, मिलीक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, फिर समझो मिलीक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर,